हाय जेमिनाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीडिंग कर रहे हैं जोडियाक रीडिंग। ये रीडिंग 1st to 15th of September के लिए एप्लीकेबल है। तो जेमिनाइज, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि शफलिंग के टाइम आप अपने क्वेश्चन और एनर्जी को थॉट दें, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले जो भी आपके डाउट्स हैं। एंड सन, मून और राइजिंग, आप अपने तीनों साइन ज़रूर देखिएगा टू गेट अ फुल पिक्चर कि वॉट इज़ गोइंग ऑन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो जेमिनाइज, आपका फर्स्ट थीम कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग, बैल्सामिक मून, टाइम फॉर हीलिंग। तो जेमिनाइज, ये टाइम स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है, एक थीम है हीलिंग। तो ये फिजिकल हीलिंग हो सकती है, ये एनर्जेटिक हीलिंग हो सकती है। तो कुछ लोग अगर किसी तरीके की बीमारी से कुछ पिछले समय से जूझ रहे थे, ओके, या फिर एनर्जेटिकली आप किसी तरीके के ब्लॉकेज से गुजर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा हीलिंग के लिए बहुत सारे जेमिनाइज के लिए। सेकंड थीम कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके, एंड फॉर सम जेमिनाइज, क्योंकि हीलिंग में कई बार हमें एक्शन भी लेना होता है, रेस्ट भी करना होता है। तो अगर आपको उस हीलिंग के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है तो आप वो एक्शन ज़रूर लें। लेट्स से आपको मेडिटेशन करना है, आपको कोई रिचुअल करना है, आपको कोई एक्सरसाइज डॉक्टर ने सजेस्ट करी है हीलिंग के लिए, राइट, मान लीजिए कोई प्रोसीजर कोई सजेस्ट किया है, तो वो एक्शन भी लेना पड़ेगा। ओके, हमें कर्म ज़रूर करने पड़ते हैं, हीलिंग आएगी लेकिन हम अपने कर्म से नहीं बच सकते। तो बहुत सारे जेमिनाइज के लिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन है हीलिंग के रेफरेंस में भी। और लेट्स से आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से वो डिले हो रहा था या फिर आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे थे उसको, तो आपको ये क्लियर मैसेज है जेमिनाइज के, अब करो, अब एक्शन लो, अब बातें बहुत हो गई, सोच विचार बहुत हो गया, अब आप ग्राउंड वर्क करो, अब आप एक्शन लो। एंड लास्ट थीम कार्ड है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, लेट्स से आप लव के लिहाज से ही कुछ पास्ट रिलेशनशिप की हीलिंग चाहते थे, तो वो हीलिंग भी है और यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल भी है कुछ जेमिनाइज के लिए। ओके, तो ये कुछ थीम कार्ड्स आए हैं। सभी लोगों के साथ सभी मैसेज रेजोनेट हो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ ज़रूर कि कुछ कुछ मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ज़रूर होंगे, सारे हों ऐसा ज़रूर जरूरी नहीं। ओके, तो लेट्स सी आपके टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनी। तो जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है द स्टार हीलिंग, अगेन हीलिंग इज अ मेजर हिट, मेजर थीम है मेजॉरिटी जेमिनाइज के लिए। कुछ लोगों को जरूर बहुत डिवाइन हीलिंग भेज रहे हैं, बिल्कुल, आप थोड़ा सा विश्वास रखो। अगर आप फेथ लूज कर रहे थे तो आपको बोला जा रहा है प्लीज हैंग इन देयर, आपको ये बोला जा रहा है थोड़े और समय के लिए थोड़ा विश्वास दिखाओ और अपना एक्शन करने से मत चूको। ओके, सेकंड, स्टार से हमें पता चलता है कि कुछ लोग के लिए प्रमोशन, विश फुलफिलमेंट, आप किसी चीज़ की विश कर रहे थे या सोच रहे थे होगी नहीं होगी, कुछ लोग के लिए विश फुलफिलमेंट माइनर भी हो सकती है, कुछ लोग के लिए मेजर भी हो सकती है, लेकिन यस, विश फुलफिलमेंट, प्रमोशन, न्यू जॉब इस तरीके का, या फिर क्रिएटिविटी में कोई न्यू आइडिया आपको मिल जाना, कोई गाइडेंस मिलना, इस तरीके की एनर्जी बहुत सारे जेमिनाइज के लिए आ रही है। सेकेंड कार्ड है बैलेंस, ओके, तो बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे एंजल एनर्जी है, बैलेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल, हीलिंग वाटर है आप देख रहे होगा, तो यहाँ पे एंजल, जो एंजल के हाथ में कप है उसमें आप देख रहे होगे कि एक रेनबो वाटर है, एंड रेनबो हैप्पीनेस हीलिंग
ये डिपिक्ट करता है स्पिरिचुअलिटी में. ओके, तो अगर बहुत टाइम से कुछ चीज़ यू नो बहुत प्लेजेंट नहीं चल रही थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेनबो से मैसेज है कि हैप्पी टाइम्स आर कमिंग. ओके, हैप्पी टाइम्स का मैसेज है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अगेन यहाँ पे स्टार और मुझे रेनबो दिखाई दिया, तो कुछ लोग के लिए मुझे प्रेगनेंसी जैसा सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, जिसमें आप अगर प्रेगनेंसी के लिए विश कर रहे थे तो उसमें एक सक्सेस के चांसेस हैं यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में. कुछ उसके रिगार्डिंग कुछ ज़रूर न्यूज़ आपको मिल सकती है जेमिनाइज. एंड बैलेंस के लिए हमें कहा जाता है हमेशा कि मॉडरेशन में काम करो. ठीक है, मॉडरेशन में, एक्सट्रीम्स अच्छी नहीं है. तो बैलेंस का मतलब ये है कि ज़्यादा डार्कनेस भी नहीं, लाइटनेस भी नहीं. ओके, एक बैलेंस हर चीज़ में, बैलेंस वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस लाओ. ओके, किसी को प्यार दे रहे हो, किसी को किसी तरीके की अटेंशन दे रहे हो, लव दे रहे हो, तो बैलेंस होना चाहिए. आपको रिसीव बैक भी होना चाहिए उतना, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं आएगा तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बॉडी में एनर्जेटिकली या फिर बॉडी में किसी तरीके की डिसबैलेंस दिखाई देने लग जाते हैं. ठीक है, समझे आप जेमिनाय? और आपका तो है ही साइन बैलेंस के लिए, राइट? तो आपके लिए बैलेंस का मैसेज भी आ रहा है. अगला कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ अर्थ, पेज ऑफ पेंटिकल्स. अब पेजेस की एनर्जी जनरली मैसेजेस मैं कहती हूँ दर्शाती है, और इसमें आप देखोगे यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ के हाथ में एक लेटर भी है. तो कुछ लोग के लिए मैंने यहाँ पे कहा था जॉब स्टार के साथ, तो लिटरली स्टार ये पेज ऑफ अर्थ आपको कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑफर भी किसी को मिल सकता है. अगर आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे थे बहुत टाइम से, तो आपको उसमें एक सक्सेस है. कुछ न्यू लर्निंग यानी आप ऐसा हो सकता है कि कोई नया कोर्स स्टडी शुरू करो, ये भी कुछ लोग के लिए मैसेज हो सकता है. कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर हो सकता है कुछ लोग के लिए, कुछ लोग के लिए जॉब एक्सेप्टेंस तो मैंने बोला ही, कुछ लोग के लिए स्कॉलरशिप का लेटर हो सकता है. तो किसी तरीके का कम्युनिकेशन पेजेस से मुझे पता चलता है. एंड अगेन ऐसी कोई एनर्जी, क्योंकि अर्थ एनर्जी है तो मटीरियल चीज़ों की ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे. ओके, तो गुड मैसेजेस, गुड इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, कुछ बहुत सारे जेमिनाइज के लिए आ रही है. ओके, अगला कार्ड देखते हैं, सेवन ऑफ फायर. अगर आपने ना देखो, चैलेंजेस तो सबके सामने आते हैं, आप इन चैलेंजेस में डटे रहे हो ना, तो मुझे ये लग रहा है कि तभी आपका ये स्टार भी आया है कि थोड़ा सा और फेथ दिखाओ. चैलेंजिंग सिचुएशन में हो सकते हो, पास्ट में रही हो या आने वाले इस वाले टाइम में भी आप थोड़ा सा रहो चैलेंजेस में, लेकिन आपको अगेन इसलिए ही स्टार आया है कार्ड कि नहीं, वो चैलेंजेस आप अगर वर्क पुट इन कर रहे हो तो उसमें आपको एक रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा. जेमिनाइज एंड जस्टिस कार्ड इससे पहले वाली रीडिंग में भी आया था. सी, जस्टिस, लॉ ऑफ कर्मा, मैंने यही बोला ना लास्ट सेंटेंस. यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी ना बैलेंस की आई है, बैलेंस की. स्टार देख लो तो आपका ही कार्ड है यहाँ पे, इसमें भी बैलेंस, जस्टिस कार्ड में भी यहाँ पे बैलेंस, या लीब्रा की एनर्जी यहाँ पे, ये मुझे ये भी बैलेंस लग रहा है कि टू हॉर्न्स, दो सींग. तो मुझे ऐसा बहुत बैलेंस हीलिंग, शायद आपको अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए हीलिंग करने की ज़रूरत है. कुछ लोग एक्सट्रीम में हैं, या तो फेमिनिन मैस्कुलिन अपने दोनों साइड में बैलेंस नहीं है. ओके, अब फेमिनिन मैस्कुलिन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप अगर उन कैरेक्टरिस्टिक आप देख लो आपसे कितनी मैच हो रही हैं. ठीक है, जैसे मैस्कुलिन की कैरेक्टरिस्टिक है कि आप एक्शन 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 में बहुत ज़्यादा हो, मैस्कुलिन का ये है. एक फेमिनिन की क्या एनर्जी है कि थोड़ा रेस्ट करना, उसको थोड़ा पैम्पर करना ज़्यादा अच्छा लगता है. तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक आपकी किससे ज़्यादा मैच हो रहे हैं. तो आपको अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन में भी बैलेंस लाने की कोशिश हो सकती है. ये इमोशंस को बैलेंस लाने की कोशिश हो सकती है. स्पेसिफिकली कुछ इमोशंस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ वाटर की काफ़ी एनर्जी आई है ना, तो इमोशंस में भी कुछ लोग को बैलेंस लाने की ज़रूरत हो सकती है. आपका बॉडी में वाटर कंटेंट, एक बैलेंस्ड डाइट कुछ लोग के लिए हो सकती है. ओके, कुछ जेमिनाइज के लिए मुझे ऐसा लगता है पानी अच्छे से पियो आप. अगर आप इस उसमें हो कि यार या तो आप बिल्कुल पानी नहीं पीते हो, या फिर आप सुबह ही उठ के 2 लीटर पानी पी लिया फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो ये दोनों ही चीज़ बैलेंस को नहीं दर्शाती हैं.
पानी की भी मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है कि आप पानी भी शायद अच्छे से नहीं पीते हो, एक बैलेंस वे में पानी नहीं पीते हो। और कुछ मूवमेंट की एनर्जी है इस टाइम फ्रेम में, ऐसा हो सकता है काम के लिहाज से, स्टडी, काम, किसी अपॉर्चुनिटी के लिहाज से कुछ लोग को दूसरे सिटी में ट्रैवल करना पड़े, सिटी, स्टेट, कंट्री में ट्रैवल करना पड़े। ओके एंड अगेन यहाँ पे जस्टिस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे इनके हेड पे, फोर हेड पे एक स्टार है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग के लिए ये जनरली जो स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं लोग जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, ये कुछ अलाइनमेंट जैसी सिचुएशन मुझे लग रही है। और क्योंकि ये लाइट है भी वायलेट एंड पर्पल, तो क्राउन चक्रा की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रही है। हो सकता है कुछ लोग का क्राउन चक्रा एक्टिवेशन, या फिर आपको इंट्यूटिव डाउनलोड्स या इंट्यूटिव हिट्स हों। और एक वननेस, अगर आपको ये वननेस की एनर्जी महसूस हो रही है ना कि यू आर वन विद द यूनिवर्स एंड द डिवाइन एंड एवरी वन इन दिस यूनिवर्स, तो ये कुछ लोग के लिए ये अनलॉक हो सकती है। या फिर कुछ लोग के लिए ये मैसेज भी हो सकता है कि आपको अपने क्राउन चक्रा को थोड़ा सा बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ही ग्रीडी और अनसेफ एनर्जी में आ गए हो ना, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं पहले, आप कहीं ना कहीं ग्रीडी एनर्जी में अगर आ गए हो, तो यहाँ पे आपके क्राउन चक्रा को बैलेंस करने की आपको बहुत ज़रूरत है। जेमिनाइज, सभी के लिए नहीं मैसेज है, कुछ लोग के लिए मैसेज है, तो आप अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिएगा कि आपके साथ कौन से मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं। अगेन मुझे इन्फिनिटी इन्फिनिटी दिखी यहाँ पे एंड 8 नंबर। ओके तो ये भी बैलेंस के बारे में ही कहता है, ये लूप के बारे में कहता है। ओके ये लूप के बारे में कहता है, दोनों साइड का बैलेंस एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि 8 को आप इसको तिरछा कर दो तो इन्फिनिटी का साइन बनता है ना। ओके तो वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस के लिए आपको एनकरेज किया जा रहा है। लास्ट कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए जेमिनी। ओवरकम योर चैलेंजेस, यहाँ पे चैलेंजेस 7 ऑफ वॉन्ड्स से आए हैं, तो ओवरकम योर चैलेंजेस, आप उस पे एक्शन ज़रूर लें, टेक योर एक्शन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि आपके लिए डिवाइन लॉ का कार्ड आया है, आप जितना एफर्ट पुट इन करोगे आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हैव फेथ। एम्बर, अवेकन योर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। देखो क्या होता है, अगर इमोशनली आप बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हो ना, तो जिस भी चीज़ से आप क्रिएटिविटी क्रिएटिवली जुड़ते हो, क्योंकि जो क्रिएटिविटी की एक्टिविटी हम करते हैं ना, जिस भी चीज़ में हम क्रिएटिव होते हैं, लेट्स से ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, तो वो हमें थोड़ा सा ग्राउंडिंग की एनर्जी मिलाने में हेल्प करती है। कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज हो सकता है क्रिएटिविटी से, कि जो हमारा चक्रा है बॉटम से सेकेंड चक्रा, सेक्रल चक्रा, वो क्रिएटिविटी को दर्शाता है, तो कुछ लोगों को सेक्रल चक्रा रिलेटेड इशू हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे ये हीलिंग का कार्ड आया और बैलेंस का कार्ड आया, मैंने कुछ लोग के लिए मैसेजेस दी, तो आपको या तो हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बर्दिंग, क्रिएटिविटी में हम कुछ बर्थ कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, बर्दिंग की एनर्जी है, तो आप कुछ नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करो, या कुछ क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ के किसी चीज़ को बनाओ, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करो, तो आपकी वो जो सेक्रल चक्र है ना, उसको एम्पावर करने में मदद करेगा। ठीक है। ब्लैक, फाइन रिचनेस फ्रॉम द डार्क नाइट। ओके ऑल राइट ऑल राइट। यहाँ आपको इतना फेथ और हीलिंग और मॉडरेशन की ज़रूरत शायद इसलिए भी पड़ रही है कि कुछ लोग शायद डार्क नाइट से गुजर रहे होंगे, या बहुत ही डार्क फेज लाइफ का इस समय चल रहा होगा कुछ लोग के लिए, हो सकता है, और आप अपने आप को बिल्कुल ही ब्लॉक कर लिया आपने, तो शायद आप किसी किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हो,
इसीलिए भी आपके क्रिएटिव ब्लॉकेजेस हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, तो कुछ लोग के लिए ये जैसे कहते हैं ना कि राइटर्स ब्लॉक, आपको आइडियाज ही नहीं आ रहे हैं कि क्या प्रोजेक्ट करें क्या प्रोजेक्ट करें, अगर आपको ये इशू है कुछ लोगों को, तो क्रिएटिविटी को आपको अवेकन करने के लिए मैसेज दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको हीलिंग करनी है अपने सेक्रल चक्रा की हीलिंग के लिए आप ऑरेंज कलर के फ्रूट्स इनटेक करो, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनो, मेडिटेशंस आती हैं सेक्रल चक्रा को हील करने के लिए, ओके एफर्मेशंस ट्राई कर सकते हो आप, ये जो क्रिस्टल है स्पेसिफिकली ये भी सेक्रल चक्रा की एनर्जी को हील करने में आपकी हेल्प कर सकता है, ये सिट्रीन है, ऑरेंज सिट्रीन है, ओके तो आप इस तरीके के क्रिस्टल से भी हेल्प ले सकते हो। सो ये कुछ मैसेजेस थे जेमिनाइज आपके लिए, आई होप आपको इन मैसेजेस से कुछ हेल्प और गाइडेंस मिली हो, और अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली है कुछ गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना आप चाहते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें, मैं सभी साइंस की रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, ओके या फिर आप फ्यूचर में किस तरीके का कंटेंट देखना पसंद करोगे, कोई सजेशन आपकी तरफ से, आई एम ओपन टू टेक सजेशंस फ्रॉम माय व्यूअर्स, तो वो भी आप ज़रूर बताएं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे जेमिनी, हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, मीनवाइल गाइस कीप योर वाइब्रेशंस हाई, बाय बाय।